हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के स्टूडियो पर बात करने वाले उमा एक्सपोर्ट आईपीओ के बारे में। तो उमा एक्सपोर्ट का आईपीओ जो है इसी महीने के एंड में ओपन होने वाला है, तो इस वीडियो में अपन कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं इस आईपीओ का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं इसका डेट, जो इसका ओपनिंग डेट है वो है 28 मार्च को ओपन होने वाला है मंडे के दिन। और क्लोजिंग डेट जो इसका रहेगा वो 30 मार्च के दिन रहेगा। 30 मार्च के दिन इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। और टोटल का साइज़ की बात करें आईपीओ का, तो जो टोटल इसका साइज़ है वो है 60 करोड़ का। आप यहाँ देख सकते हैं 60 करोड़ का जो फंड रेज करने वाली कंपनी टोटल, और वो जो है सारे फ्रेश इश्यू रहेंगे, इसमें कोई ऑफर्स नहीं है। कंपनी का जो टोटली रहेगा 60 करोड़ का आईपीओ पूरा फ्रेश इशू रहेगा। और 60 करोड़ का भी छोटा आईपीओ आप यहाँ देख सकते हैं। कंपनी का यूजली जो आईपीओ रहता है वो 500 करोड़ के ऊपर ही रहता है। 500 से 1000 करोड़ के बीच में एक नॉर्मल आईपीओ रहता है, और 1000 करोड़ के ऊपर जो आईपीओ जाते हैं उनको एक बड़े साइज़ का आईपीओ माना जाता है। तो ये 60 करोड़ का आईपीओ काफ़ी छोटा आईपीओ है। और इसमें अगर अपन बात करते हैं रिटेल कैटेगरी की, तो रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा स्पेशली रिजर्व रखा है। वहीं QIB के लिए 50% और NI के लिए 15% का इन्होंने कोटा रिजर्व रखा है। और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का इसमें फेस वैल्यू है। और अब अपन बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी एक्चुअली क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या सर्विसेज है इसकी, तो आप यहाँ देख सकते हैं। एक्चुअली ये कंपनी जो है उमा एक्सपोर्ट, आप नाम से इसको पहचान सकते हैं। एक्चुअली एक्सपोर्ट कंपनी है। और ये किस चीज़ का एक्सपोर्ट करती है, ये एग्रो कमोडिटीज जो है सभी का एक्सपोर्ट करती है, और कुछ ये प्रोडक्ट का इंपोर्ट भी करती है इंडिया में। तो किस किस का एक्सपोर्ट करती है सबसे पहले अपन वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने, इनके जो मेन प्रोडक्ट है वो शुगर हैं, स्पाइसेस हैं, और रेड चिली है, टर्मरिक है, कोरिंडियर है, क्यूमिन सीड है, फूड ग्रेन्स है। फूड ग्रेन्स में राइस, व्हीट, कॉर्न, सोरगम, उसके अलावा टी है, पल्सेस हैं, और भी सारे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सोयाबीन मील वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है इंडिया से। एक्चुअली देखा जाए तो सारे प्रोडक्ट्स इनके हैं। फूड ग्रेन्स में इनके देखा जाए तो राइस, स्वीट, कॉर्न है। इसके बाद स्पाइसेस में इनके टर्मरिक, कोरिंडियर, क्यूमिन सीड्स, और उसके अलावा इनके पल्सेस भी ये कंपनी एक्सपोर्ट वगैरह करती है। तो ये कंपनी के जो मेन बिजनेस हो गया है कंपनी का एक्सपोर्ट का। इसके अलावा कुछ कंपनी ये प्रोडक्ट इंपोर्ट भी करती है बाहर से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये इनके कुछ इंपोर्ट प्रोडक्ट हैं, फावा बीन्स करके हैं, और कुछ पल्सेस वगैरह हैं आप यहाँ देख सकते हैं, तूर दाल और उड़द दाल, ये कंपनी इंपोर्ट करती है इंडिया में। और देखा जाए तो जो इंपोर्ट करती कंपनी वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बर्मा, ये तीन कंट्री जहाँ से कंपनी मेजरली इंपोर्ट करती है प्रोडक्ट। और जो एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट जो करती है कंपनी मलेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। और एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी B2B बिजनेस है, ये एंड कंज्यूमर को नहीं देती है, बिजनेस टू बिजनेस सेल करती है। मीन्स किसी दूसरी पार्टी से खरीदेगी और किसी वापस जो रीसेल करने के जो करते हैं बिजनेस वाले उनको ही सेल करती है। जैसे कि एक्सपोर्टर हो गए या फिर मैन्युफैक्चरर्स हो गए, उनको ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो एक्चुअली B2B बिजनेस हो गया इनका। और इसके अलावा अपन बात करें इनका जो मेन स्पेशलाइज प्रोडक्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं शुगर, कॉर्न और जो दाल हैं इनके स्पेशलाइज प्रोडक्ट हैं ये, जिनमें कंपनी को एक स्पेशलाइजेशन है, और बल्क में ट्रेडिंग कंपनी इसी में करती है। तो एक कंपनी का डिटेल था। कंपनी बेसिकली आपको पता चली गया कि एग्रो कमोडिटीज़ की है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीज़ें करती है, और मेन प्रोडक्ट्स इनके शुगर, कॉर्न और दाल हैं। तो चलिए अपन देखते हैं कंपनी का आगे का डेटा। और आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का जो मेन इश्यू है कि कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है, कुछ पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। पहले तो अपन इम्पोर्टेंट डिटेल देख लेते हैं। कंपनी B2B ट्रेडर है, सप्लायर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये अपन ऑलरेडी देख लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, तो इसका जो पहला जो मेन पॉइंट है वो है ऑगमेंटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपनी को जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है उसके लिए कंपनी को ज़्यादा फंड की जरूरत है, उसके लिए कंपनी आईपीओ लाना चाहती है। क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस है और ट्रेडिंग बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम रहता है, और इनको पैसा ज़्यादा चाहिए होता है। क्योंकि कोई चीज़ ये है, अगर बल्क में मंगवाएंगे वहाँ से बाहर से, उसको स्टोर करेंगे फिर रिटेल में सेल करेंगे उसको, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है एक्चुअली ट्रेडिंग करने में। तो उसके लिए कंपनी यहाँ पर आईपीओ लाना चाहती है, आईपीओ के थ्रू कंपनी फंड रेज करना चाहती है। और सेकेंड जो पॉइंट है इनका, जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए जिनको चाहिए पैसा, तो ये इनके दो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से कंपनी आईपीओ लाना चाहती है। अब बात करते हैं कंपनी का जो आईपीओ का प्राइस बैंड है, तो प्राइस बैंड इनका 65 रुपीज़ से 68 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का इन्होंने प्राइस बैंड रखा है, जिसमें फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। तो 65 से 68 का इन्होंने प्राइस रखा है, और अपर बैंड जो है इसका 68 का है।
तो 68 पर इक्विटी शेयर्स आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल सकता है। इसके बाद बात करें कंपनी का, यहाँ पर दे रखा है रिवेन्यू वगैरह जो अपन अगले स्लाइड में देखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल यहाँ पर दे रखे हैं, तो फाइनेंशियल्स में अपन देखेंगे इसके डेटा। और इसके अलावा अपन बात करते हैं इसका डेट वगैरह, मैंने आपको बताया जी 28 मार्च को ओपन होने वाला है, 30 मार्च को ये इसका क्लोजिंग डेट रहेगा। और इसके बाद 60 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज़ है, ऑलरेडी अपने डिस्कस कर लिया, ये प्राइस भी डिस्कस कर लिया है, रिटेल कोटा 35% रहेगा ये भी अपने डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर कि आपको एक लॉट में कितने शेयर मिलेंगे और कितने पैसे आपके लगने वाले हैं। तो टोटल जो आपका एक लॉट रहेगा उसमें आपको एक लॉट के लिए आपको 14,960 रुपये लगाने पड़ेंगे, और जिसमें आपको जो टोटल नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे वो 220 शेयर मिलेंगे। तो एक लॉट में आपको 220 शेयर मिलेंगे जिसमें आपको 14,960 रुपये लगाने पड़ेंगे एक एक लॉट के लिए। और इसके अलावा अपन मैक्सिमम लोड अगर आप लगाना चाहते हैं तो मैक्सिमम लोड की बात करें तो जिसमें आप लगा सकते हैं टोटल 13 लोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 2,860 शेयर मिलेंगे और टोटल अमाउंट जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो रहेगा 1,94,480 रुपये। तो ये था इसका मिनिमम जो आपको एक लोड के लिए 14,960 लगाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखें। और इसके अलावा अपन देखते हैं कंपनी का बाकी का आगे का डिटेल्स आप देख लेते हैं। डेट जो है अलॉटमेंट आपको 4 तारीख को मिल जाएगा और रिफंड आपको 5 तारीख को हो जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो। और जो लिस्ट होने वाला है ये शेयर, वो जो है लिस्टिंग डेट 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल को ही आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अपन बात करें तब इसके फाइनेंशियल्स की, यहाँ पर तो आप यहाँ देख सकते हैं फाइनेंशियल 3 साल का डेटा दिया है इन कंपनी ने। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपनी का 2019 का डेटा, तो 19 में आप देखेंगे यहाँ पर 329 करोड़ का टोटल इनका इनकम हुआ था। इनकम बोले तो कर ये आप रिवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हो, रिवेन्यू या इनकी टोटल सेल्स दोनों में से आप कुछ भी मान सकते हो। 329 करोड़ का टोटल इन्होंने रिवेन्यू जनरेट किया, उसमें से एक्सपेंसेस की बात करें तो 326 करोड़ के इनके एक्सपेंसेस हो चुके हैं। एक्सपेंसेस में एक्चुअली इनका जो मेजर एक्सपेंसेस जाता है प्रोडक्ट को परचेस करने में जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस है तो कंपनी कोई इसमें मैन्युफैक्चरिंग करती नहीं, जैसा प्रोडक्ट बाई करती है वैसे ही ये सेल करती है, खाली इसका मार्जिन ऐड हो जाता है इसमें। तो जितना इनका एक्चुअली सेलिंग रहता है उतना ही इनका बाइंग प्राइस भी रहता है, खाली बीच का 2-5% इनका प्रॉफिट मार्जिन रहता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 329 करोड़ का इनका टोटल रिवेन्यू था, उसमें से 326 करोड़ इनके एक्सपेंसेस चले गए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है इसमें। 3 करोड़ में से कुछ टैक्सेस जाएगा, तो टैक्सेस कटने के बाद इनका जो बचेगा 2.89 करोड़ का इनका प्रॉफिट बचा है, PAT मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 3 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट बचा होगा, 3 करोड़ में से कुछ टैक्स कटने के बाद इनका 2.89 करोड़ का प्रॉफिट आया है यहाँ पर। तो ये था 2019 का डेटा। 2020 का बात करें तो 810 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने सेल्स किया है और 799 करोड़ का इन्होंने एक्सपेंसेस किया है। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 करोड़ का इनको प्रॉफिट जनरेट हुआ है, 11 करोड़ में से टैक्सेस काट के 8 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, 8.33 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है। ऐसे 2021 की बात करें तो 752 करोड़ में से इनको 736 करोड़ का यहाँ पर रिवेन्यू एक्सपेंसेस चला गया है और टोटल 16 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बचा है, उसमें से 12.18 करोड़ का इनको टोटल नेट प्रॉफिट बचा है। तो आप यहाँ देखेंगे इनका जो रिवेन्यू है, तो रिवेन्यू यहाँ पर इनका ग्रो हुआ है यहाँ पर ईयर ओवर ईयर। 2019 में 329 का था, देन 810 का, देन 752 का, 2021 में थोड़ा कम हुआ है 2020 के कंपेयर में, लेकिन फिर भी इनका अगर 2019 से देखें तो अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। और 2022 की बात करें, 2022 में 6 महीने का डाटा दिया है यहाँ पर, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है ईयर पूरा, तो 6 महीनों में भी इन्होंने 524 करोड़ का यहाँ पर टर्नओवर कर लिया है और इसमें से 512 करोड़ के इनके एक्सपेंसेस आए हैं। और प्रॉफिट की बात करें तो 8.97 करोड़ का इनको प्रॉफिट भी जनरेट हो चुका है। तो ये कंपनी का डिटेल था बेसिक फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल तो काफ़ी ठीक ठाक लग रहे हैं यहाँ पर, 19-20 में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई इन्होंने और 2021 में भी इनकी ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ रिवेन्यू में नहीं है, प्रॉफिट में उनकी ग्रोथ दिखी यहाँ पर। और 2022 की बात करें तो 6 महीने के डेटा में इन्होंने अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट किया है और यहाँ पर प्रॉफिट भी इनका जनरेट हुआ है। तो ये इसके थे फाइनेंशियल्स। और फाइनेंशियल्स के बाद अपन बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की, तो इनका जो EPS चल रहा है अर्निंग पर शेयर वो चल रहा है 4.92 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का। और अगर नेट असेट्स वैल्यू की बात करें तो असेट्स वैल्यू जो इनका 27.83 का है, 27.83 पर इक्विटी शेयर में से अगर मान लो कि टोटल इनके पास असेट्स जो है अगर 1,000 रुपीज़ के इन पर टोटल असेट्स हैं और कंपनी का जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर है वो मान लो 100 आउटस्टैंडिंग शेयर है, तो यहाँ पर इनको पर इक्विटी जो आएगा असेट्स वो आएगा 10 रुपीज़। तो
इसी तरीके से ये आता है इनका 27.83 नेट असेट्स वैल्यू। इसके बाद बात करें कंपनी के प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स इनके हैं राकेश खेमका और सुमित्रा देवी खेमका, ये दो प्रमोटर्स हैं इनके। और इसके बाद रजिस्टर की बात करें आईपीओ का, तो रजिस्टर इसका है एमएस सिक्योरिटी लिमिटेड, जहाँ पे आपको इस शेयर का अलॉटमेंट आपको चेक करना होगा तो आपको इसी की वेबसाइट पे मिलेगा, ये इनका रजिस्टर है। वैसे नॉर्मली अपन देखते हैं तो के फिनटेक या लिंकिन टाइम होता है, लेकिन इनका रजिस्टर थोड़ा अलग है। और ये था इस वीडियो में, बाकी तो सारी डिटेल अपन ने इसमें चेक कर लिया है। अगर आपको भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये था इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।